नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्या मां मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने बताया था कि स्त्री के पास ऐसे 6 कारण हैं जिसके रीजन से लेडीज को बच्चे नहीं होते, यानी बच्चे कंसीव नहीं होते हैं। एक कारण तो हमने बता दिया कि फेलोपियन ट्यूब में अगर किसी भी रीजन से अगर रुकावट है तो बच्चे नहीं पड़ेंगे। बाकी पार्ट 6 कारण में से अगर 5 सही है और अगर फेलोपियन ट्यूब में दिक्कत है तो बच्चे नहीं होंगे। ठीक उसी ढंग से दूसरा कारण है यूटेरस। यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। गर्भाशय उसे हम कहते हैं जिसके अंदर बच्चे का पालन होता है। 9 महीने तक बच्चा गर्भाशय यानी यूटेरस के अंदर रहता है सुरक्षित। उसके बाद 9 महीना पूरा होने के बाद जो है बच्चा बाहर होता है। और आगे चल करके अगर यूटेरस के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे इंडोमेट्रियम अगर थिकनेस है, या फिर अंदर गांठ बना हुआ है, या किसी तरह का ट्यूमर है अंदर, या और कोई रीजन जैसे यूटेरस अगर छोटा है, रेट्रोवर्टेड है, अगर ऐसे कुछ भी तरह के कारण यूटेरस के अंदर हैं तो 5ों रीजन सही रहेंगे लेकिन लेडीज को बच्चे नहीं पड़ेंगे। तो पेशेंट बार बार कहता है कि हम लोग रिलेशनशिप में है, जब भी जांच करवाते सब चीज़ सही है, खाली बस हमारा यूटेरस जो है वो रेट्रोवर्टेड है, तो गांठ बना हुआ है, फिर बच्चे फाइब्रोइड बना हुआ है, बच्चे कंसीव क्यों नहीं होंगे। क्योंकि देखिए है क्या कि यूटेरस का सही रहना यानी गर्भाशय का सही रहना बहुत जरूरी है। जैसे फेलोपियन ट्यूब खुल गया तो अंडे आना शुरू कर देंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा बढ़िया से। ठीक उसी ढंग से अगर यूटेरस बढ़िया ढंग से रहेगा, गर्भाशय बढ़िया से रहेगा, तभी जाकर के उसमें बच्चा कंसीव होगा। नहीं तो अंडाशय से जो है स्पर्म और ओवम आ करके फर्टिलाइजेशन तो ट्यूब में होगा, दोनों मिलेंगे, लेकिन जब जैसे ही वो आ करके यूटेरस में रुकेगा तो उस कंडीशन में अगर यूटेरस के अंदर गांठ बनी हुई है या रेट्रोवर्टेड यूटेरस है तो इस कंडीशन में वहाँ पे सही ढंग से रुक नहीं पाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। यूटेरस के अंदर अगर किसी भी कभी कभी टीबी हो जाती है, टीबी होने पर भी बच्चा कंसीव नहीं होता है। आप IVF भी करवा लें अगर यूटेरस के अंदर टीबी का असर है, गांठ बनी हुई है या रेट्रोवर्टेड यूटेरस है तो आपको बच्चे कंसीव नहीं होंगे। दोस्तों, इसके लिए हमारे जो होम्योपैथ की मेडिसिन है, आप कहीं भी जांच कराएं, किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाँच करें, अगर डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आपके 6 रीजन हमने बताया उसमें से 5 आपके सही है, लेकिन अगर यूटेरस के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जैसे वो कह रहे हैं कि आपको थायरॉइड है, कुछ लोग कहेंगे आपको गांठ बना हुआ है, कुछ डॉक्टर साहब लोग कहेंगे कि आपका रेट्रोवर्टेड यूटेरस है ना, ऐसे करके अगर वो आपको समझाते हैं तो आप उसको दिमाग में मत लीजिए, उतना सब सोचना नहीं है। जो होम्योपैथ के मेडिसिन में बता रहा हूँ, अगर यूटेरस के अंदर किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड करवाने से या किसी डॉक्टर साहब के कहने से आपको प्रॉब्लम हुई, आप कई साल से झेल रहे हैं, आपको बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, बच्चे नहीं पड़ रहे, उस कंडीशन में जो होम्योपैथ की मेडिसिन में बता रहा हूँ, आप रीजन पर मत जाएं। हालांकि होम्योपैथ की दवा लक्षण पे काम करती है, अगर आपको वो लक्षण मिल रहे हैं तो काम करेगी, नहीं मिल रहे हैं तो नहीं काम करेगी। लेकिन बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसके लिए जो मेडिसिन है वो निर्धारित है कि आप इसे खाएंगे तो ये काम आपको करेगी इस हिसाब से। तो इसके बारे में आपको जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, उस मेडिसिन को जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ उस हिसाब से आप यूज करिए और आप रीजन पर मत जाइए। यूटेरस के अंदर अगर गांठ बना हुआ है या किसी भी तरह का फाइब्रॉइड है, वो दवा से 3 से 3.5 महीने के भीतर पूरा गल के खत्म हो जाएगा और यूटेरस आपका पूरा कंप्लीट एकदम क्योर हो जाएगा। आप अल्ट्रासाउंड पहले करवा करके रखें उसको रखिए, और बाद में जो है अल्ट्रासाउंड करवा के आप 3 से 3.5 महीने के बाद करवाइए, आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ लेडीज बताती है कि हमारा पीरियड 2-2 महीने पे आता है, 4-4 महीने पे आता है। अगर यूटेरस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर अगर गांठ बना हुआ है या फाइब्रॉइड है, अगर ऐसा कुछ भी है या इंडोमेट्रियम थिकनेस है तो ऐसे प्रॉब्लम होंगे 2-3 महीने पर, कभी कभी लेडीज को 1 हफ्ते 10 दिन पे आ जाएंगे। अब बहुत सी लेडीज कहती हैं कि पीरियड तो हमारा सही से नहीं आता, 3-4 महीने में आता है, तो फिर बच्चे कंसीव होने, बच्चे कंसीव नहीं हो पाएंगे जब तक आपका पीरियड ये पूरे 28 से 35 दिन के चक्र में अगर चल रहा है और अगर यूटेरस के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तब जाकर के बच्चे कंसीव होंगे। और अगर पीरियड आपका समय से भी आ रहा है लेकिन यूटेरस के अंदर अगर टीबी है, गांठ बना हुआ है, फाइब्रॉइड है, तो आपको बच्चे कंसीव नहीं होंगे। बाकी सभी पार्ट आप देखने में ठीक रहेंगे, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन
बच्चे कंसीव नहीं होंगे, और समय रहते भी अगर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो बच्चे आपको हर हाल में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए बस यही है कि जिस किसी भी लेडीज को अगर ये प्रॉब्लम है, जांच रिपोर्ट में निकला हुआ कि यूटेरस में इस ढंग का दिक्कत है, तो उसके लिए जो होम्योपैथ की मेडिसिन हम बता रहे हैं उसे आप नोट कर लें और यूज करें। इस मेडिसिन को यूज करने से वो पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगी। इसके लिए पहली मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनियम 200 पावर की। ट्यूबरकुलिनियम 200 पावर की मेडिसिन, अब कुछ पेशेंट कहेंगे कि टीबी नहीं तो हम ट्यूबरकुलिनियम क्यों खाएं, लेकिन आप उस पे मत जाइए। ट्यूबरकुलिनियम 200 की मेडिसिन 15 दिन पे दो बूंद लीजिए मात्र। दूसरी मेडिसिन है अशोका क्यू पावर। अशोका क्यू पावर को 15-15 को तीन बार रेगुलर आप यूज करें 3 महीने तक। तीसरी मेडिसिन इसके लिए एलेट्रिस फेरिनोसा क्यू। एलेट्रिस फेरिनोसा क्यू को 15-15 को 3 बार सुबह दोपहर शाम रेगुलर यूज करें। और इन तीनों मेडिसिन को यूज करने के साथ साथ आप कैल्केरिया फ्लोर 6 का 4-4 टैबलेट दिन में 4 बार यूज करें। इन चारों मेडिसिन को रेगुलर आप 3 से 3.5 महीना यूज करिए। यूटेरस के अंदर चाहे गांठ हो या फाइब्रॉइड बना हो, चाहे जो किसी भी रीजन से अगर उसमें बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, तो इन चारों मेडिसिन को यूज करने से आपके बच्चे आराम से कंसीव हो जाएंगे और आप एकदम पूरे कंप्लीट तरह से स्वस्थ हो जाएंगे इन मेडिसिन को यूज करने से।